मैंने देखा था केशव जी का ट्वीट, उन्होंने कहा कि मैंने ज्ञापन मिल दिया मुझे अभ्यर्थियों ने और मैंने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें। क्या जिसे हम लोग तो तत्काल ज्यादा नहीं जानते, हम तो ट्रेन की टिकट का ही तत्काल जानते हैं, गए तो तुरंत टिकट मिल जाता, भाई तत्काल का मतलब ही है क्या? ठीक बात कह रहे आजम खान। तो तत्काल के आदेश के बाद कुछ आपको जुम्बिश दिखाई दी, कुछ हलचल दिखाई दी, अधिकारी वगैरह आपसे टेलीफोन किए हो, मिले हो कि भाई साहब वो आदेश आ गया तत्काल करना है, आप लोग कहाँ हो, अपॉइंटमेंट लेटर ले जाओ, ऐसा कुछ हुआ? अरे अमिताभ जी, एक जरूरी बात शायद मुझसे भूली जा रही थी, अच्छा हुआ आपने मुझे थोड़ा सा वक्त दे दिया। हमारा एक साथी, उसका नाम इरशाद है, वो आजमगढ़ का रहने वाला है, कल डिप्टी सीएम साहब का जब प्रदर्शन हो रहा था तो उसको दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। जहां तक जो आपने कहा कि डिप्टी सीएम के जो ट्वीट जो आपने जिसका जिक्र किया, उसके बाद किसी अधिकारी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैं आपको बताऊं कोई ऐसा टेबल नहीं है जहां हमारे ज्ञापन ना पड़े हों। मैं बताऊं कुछ अधिकारी तो ऐसे हैं जिनके मोबाइल में व्यक्तिगत हम लोगों के नंबर सेव हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं कल इनकी जरूरत पड़ेगी और वो अपनी जरूरत पे याद भी करते, बुलाते भी, जब मामला फंसता देखते तो बुलाते भी हैं। लेकिन डिप्टी सीएम का जो ट्वीट आया उसके बाद किसी भी अधिकारी की तरफ से, अधिकारी तो छोड़ दीजिए, वो कभी कभी अपने ड्राइवरों से भी फोन करवा लेते थे, अपने बाबुओं से फोन करवा लेते थे कि बुला लो उन बच्चों को बैठ के बात करनी है, लेकिन कोई एक जू तक नहीं रेख रही है उनके ऊपर कि वो बुला के कोई वार्ता कर सके, कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारे अब्रेल बाबू कह रहे हैं कि आप जो है ईमेल करिए, जीमेल करिए, मंत्री से मिल लीजिए। अभी आज हम लोग आशीष पटेल जी के यहाँ गए थे, उनसे जो मुलाकात हुई वो कह रहे हैं उनके पास भी कोई जानकारी नहीं है, कोई योजना नहीं है उनके पास, सरकार के पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं, वो बता सके कि कब तक कोई, वो कह रहे हैं कि 15 दिन तक आप लोग इंतजार कर लीजिए, धैर्य रख लीजिए। वो 15 दिन क्यों कह रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा बता दूं आपको, वो 15 दिन इसलिए बता रहे हैं हमारे शिवेंद्र भाई के साथ के, हालांकि उनका लिस्ट में नाम नहीं, वो चयनित नहीं है, उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, क्योंकि अब जल्दी जल्दी उनको लोगों को इकट्ठा भी करना है तो उस मामले को लिस्ट करा देंगे जिसमें उनका कोई नुकसान नहीं होगा, याचिका कल डिसमिस हो जाए उनका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसमें बेमौत मारे जाएंगे वो शिक्षक जो 4 साल से कार्यरत थे। अगर कुछ स्टे वगैरह हो गया तो नुकसान होगा हमारे जैसे लोगों का जो 4 साल से उम्मीदों का बोझ लेके लखनऊ की सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। तो मैं अब्रियल बाबू से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप जिन बेसिक शिक्षा मंत्री को कह रहे हैं को अपने निजी काम से नहीं लोकहित के कार्यों के लिए कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर इतने लोकहित करने का उनको शौक चढ़ा ना, आप उनका बेसिक शिक्षा मंत्रालय दूसरे को दे दीजिए, जो बेसिक शिक्षक के बच्चे हैं, जो बेसिक शिक्षा के जो अध्यापक है उनकी मदद कर सके, उनको बना दीजिए विदेश मंत्रालय, पूरे भारत का विदेश मंत्रालय संभाल लें, लेकिन ये भावनाओं से खेलना बंद कर दीजिए। और मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहता, कम से कम केस के बारे में थोड़ी सी जानकारी करके आप टीवी पे आया करिए कि दो लोग हम लोग बैठे हैं, पूरे अमिताभ जी को बहुत लोग सुनते हैं हमारे यहाँ, हर एक आदमी इस उम्मीद से बैठा होगा कि आज अमिताभ जी का शो है, कोई ना कोई कंक्लूजन जरूर निकल के आएगा कि हमारे लिए क्या रास्ता बन रहा है या नहीं बन रहा है, और जो रास्ता बन रहा है उसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते हैं, ना आपके पास कोई जानकारी, अगर कोई जानकारी है तो कार्यक्रम के अंत होने तक मैं आपसे यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि शिवेंद्र भाई के जो साथ में है मेरे साथ में उनके लिए इतना तो बता दो कि आखिर वो कौन सी सुविधाएं होगी जब हमारे लिए कोई रास्ता निकल के बाहर आएगा। विजय भाई अभी रुक जाइए, एक मिनट, आप अपना तर्क मत दीजिए, आप समय खत्म हो गया, अपनी पार्टी का तर्क अब छोड़ दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। केशव जी ने लिखा तत्काल कार्रवाई करें, क्या अंग्रेजी में होता इमीडिएट करिए, क्या 24 घंटे बीत गए, अरे रुक जा भाई, उनके बच्चों के पास किसी का टेलीफोन भी नहीं आया, नहीं कैसा लिखा हो, कैसा आदेश हो, कैसा क्या मसला है भाई, समझ नहीं पाए हम तो सोच रहे थे लिखने के बाद इनके पास शिक्षा सचिव आ गए होंगे, कह रहे होंगे हम तुम्हें ढूंढ रहे, कहां हो भैया, ले जाओ नियुक्ति पत्र यार जल्दी जल्दी, जाते जाते हमसे एक कमेंट ले लीजिएगा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट अविरल जी। जी देखिए, जहां तक आपका प्रश्न है मैं उसका उत्तर दे देता हूं, उससे पहले मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि आजम जी का जो प्रश्न था, जो इन्होंने वक्तव्य दिया था, एक बार मैं इनका भी उत्तर एक बार दे देता हूं, जिससे कि व्यूअर्स को, आपके करोड़ों दर्शकों को क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के द्वारा जनता को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की नियत सही नहीं है, नियत साफ नहीं है। तो मैं इस बात को क्लियर कट कह देना चाहूंगा आजम जी कि हमारी नियत पहले भी साफ थी और बिल्कुल साफ। कुछ नहीं कहा जाता है जिस प्रकार से जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रहे भैया जी जी। देखिए, जिस प्रकार से
आजम जी नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे ये मुजफ्फरनगर के दंगे पर कवाल कांड पर। अविराल अविराल नो 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 आप छोड़ दीजिए, आप आगे आप उस पर एक लाइन जल्दी से बोलिए फिर मैं शो को बाइंड अप करना है मुझे। मैं अजय आजम खान से भी टिप्पणी, ये जो बात इन्होंने कही कि तत्काल निर्देशित कर दिया तत्काल कार्रवाई करें, 24 घंटे बीत गए इनके पास किसी का टेलीफोन तक नहीं आया, कैसे तत्काल हो रहा जी? अगर 24 घंटे बीत जी हाँ। देखिए अगर जिस प्रकार से आपने कहा 24 घंटे बीत गए, अगर 24 घंटे बीतने की बात है तो केवल 24 घंटे का ही और इंतजार कर लीजिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार। अरे रुक जाओ मेरे भाई, इतना तेज ना भागो, ओम प्रकाश राजभर टाइप का मामला लगा कि सौ जाती एक साथ में गिना दोगे। आजम खान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, समय कम है। मैं जब ये कहता हूँ सर कि भाजपा की नीयत साफ नहीं है तो उसके कई तथ्य हैं। देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी केंद्र सरकार से कहा था, संवैधानिक संस्था कहा था कि आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है, सूची दूसरी बनाई है। सिंगल बेंच ने कहा था आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है, तब उन्होंने कहा था चयनित छात्र है उनके हितों का ध्यान करते हुए, यानी सिंगल बेंच का आदेश ज्यादा अच्छा था सरकार के लिए, लेकिन सरकार ने नहीं माना। अब डबल बेंच के आदेश को भी नहीं मान रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन का इंतजार कर रही है, इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। ठीक है आजम खान साहब, रुकना होगा। ठीक है ठीक है, हैसियत कितनी कम हो गई है ये भी समझ में आ रही है। ठीक है शिवेंद्र, एक लास्ट सवाल है, छोटा सा उत्तर दीजिएगा। आप लोगों ने अपने मसले को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की, और अगर की तो अधिकारियों ने क्या कहा आपसे, छोटा सा उत्तर बस। सर बहुत छोटा सा। सर हम लोगों ने इस मामले में लगभग 50 विधायक 25 सांसद और लगभग जितने अधिकारी होते हैं विभाग के सबसे मिल चुके हैं, और अभी तक किसी ने कार्य योजना स्पष्ट नहीं की थी, और हमने धरना किया था तो हम इस आश्वासन पे माने थे कि हमको जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाएगा, लेकिन अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलवाने का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है, ना उनके कार्यालय से विभाग को कोई निर्देशित किया गया है कि चयनित शिक्षकों को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाएगा। इस वजह से सर हम सभी मजबूर हैं, बाकी किसी भी वर्ग का नेता हो वो चयनित शिक्षकों की बात नहीं कर रहा है, इसलिए चयनित शिक्षक मजबूरन सर्वोच्च न्यायालय की ओर देख रहे हैं, और अगर सरकार हमारे साथ नहीं आती है तो हमको मजबूरन सर्वोच्च न्यायालय से ही न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी। और सर एक अंतिम बात, सर एक अंतिम बात कहूंगा, जो आजम खान साहब कह रहे थे कि सिंगल बेंच ने भी माना है डबल बेंच ने, सर सबने माना है, हम भी कह रहे हैं कि जो भी माना है वो माना है ठीक है, लेकिन यही लोग निकल करके मंचों से कह रहे थे कि इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में 70% से अधिक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, तो आज वो बात निकल करके कहते हैं, और नहीं कहते हैं तो हमारा चयन सुरक्षित कर दे, विजय भाई का भी चयन उसमें जिस हिसाब से मिल जाए उनको कर दे। ठीक ठीक है ठीक है। एक घंटे बहस हुई इस विषय, जब ये हाईकोर्ट का निर्णय आया था और इतवार को सरकार ने इस पर चर्चा की थी और सोमवार को मैंने इस पर चर्चा की इस शो पे, तब मैंने जो बात कही थी उस बात को भी 12-14 दिन बीत गए, हुआ कुछ नहीं, मुझे भी बहुत पीड़ा होती है। आपने आप बोल रहा हूँ मतलब सरकार, जब आपने माना कि हाई कोर्ट का निर्णय ठीक है, इसका मतलब आरक्षण में गड़बड़ी की गई, आरक्षण में गड़बड़ी, स्वतंत्र देव तो वहां बैठे नहीं, ना केशव मौर्या बैठे ना अनुप्रिया बैठी, अधिकारियों ने लिस्ट फिस्ट बनाई नियम कायदे। मैंने पहले दिन कहा था कि ऐसे अधिकारियों का नाम सार्वजनिक करिए और उनको दंड तत्काल दीजिए, इसके लिए बैठक करने की जरूरत तो थी नहीं, ना इसके लिए कोई खोजबीन करने की जरूरत थी, और ना ये सवाल थेतरई से छुप सकता है, इनके भी साथ उनके भी साथ इस तरह की बातों से प्रश्न तो नहीं दबेगा। मैं फिर उस बात को दोहराता हूं, जिन अधिकारियों ने शिक्षा विभाग के शासन के जिन अधिकारियों ने इसमें इस ढंग की विसंगतियां की, घपले घोटाले किए आरक्षण की व्यवस्था में, जिसको हाईकोर्ट ने दोहराया और जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी स्वीकृति दी, उन अधिकारियों के नाम अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुए, उन अधिकारियों को दंड क्यों नहीं दिया गया, पहले तो इसका जवाब दो उसके बाद विजय यादव की मांग पर बात करो फिर शिवेंद्र की मांग, पहले इसका जवाब दो, इसमें तो कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं थी। मान लो संदीप विदेश भी घूमते रहे तब भी कार्रवाई हो सकती है, इसका जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया। इतना बड़ा धतकर्म हो गया
हमारे बच्चे 4-4.5 साल से लखनऊ की सड़कों पर लटकाते रहे, बरसात हुई तो पानी में भीगे, और जून का महीना हुआ तो लपट में झुलसे, और जनवरी में भयंकर शीत में ओस में पड़े रहे, और अधिकारी मौज ले रहे हैं, काजू खा रहे हैं। और फिर आप हमको बताते हो कि ऐसा है वैसा है, मैं कैसे मान लूं? तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी, मैं वही बात मानता हूं जो आंखों से देख लेता हूं। भाषण में मेरी कोई रुचि नहीं, भाषण तो सब अच्छा अच्छा दे लेते। मैंने बताया ना, शुरुआत मैंने वही की थी, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, ये पंडित जी कराते हैं ना, उसको फर्क पड़ रहा है? दूसरी बात, अगर आपका, आपसे मेरा मतलब जो भी लोग इस व्यवस्था में लगे हैं, शिक्षा, बेसिक शिक्षा विभाग तो पूरा ही, अगर आपकी नजर इस बात पर नहीं है कि किसी तरीके से जान छूटे और सुप्रीम कोर्ट इसमें टांग फंसा दे, तो आपके पास 15 दिन पर्याप्त थे, मोर देन सफिशियंट समय था। 15 दिन में 3 बार नियुक्ति पत्र बढ़ जाता है इनको, कोई रॉकेट साइंस है क्या? कोई रॉकेट साइंस है क्या मित्र? नहीं ना। फिर इतनी जल्दी तो हमने पार्लियामेंट बना के खड़ी कर दी थी, उनको चिट्ठी देने में क्या समझ कितना टाइम लग रहा था, और लिस्ट बनने में। तीसरी बात, नेता क्या कह रहे हैं उनकी बात का कोई बहुत ज्यादा वजन मैं नहीं मानता, आजम खान साहब माफ करिएगा, मलिक आप भी हैं, मैं बहुत वजन नहीं देता क्या, क्योंकि आपके कहे से, आपके लिखे से, चिट्ठी से काम नहीं हो सकता। काम के लिए अधिकारी का ही दस्तखत चाहिए। आजम भाई गलत तो नहीं कह रहा, मंत्री मुख्यमंत्री किसी के दस्तखत से नौकरी पर दस्तखत नहीं हो सकते, अपॉइंटमेंट लेटर पर कोई अधिकारी करेगा, है ना? अधिकारी ना शिवेंद्र से मिलने को तैयार और ना विजय से मिलने को तैयार, ना आरक्षित वर्ग से, ना समायोजित वालों से, क्यों चयनित वालों से क्यों नहीं मिल रहे? जब जिम्मेदार वो हैं, काम उनको करना है, रिजल्ट उनको देना है, वो क्यों नहीं मिल रहे? वो असूर्य पश्या नारी है कि सूरज नहीं देखेंगी, घूंघट में रहती है? अधिकारी घूंघट में रहते क्या? इनको संतुष्ट क्यों नहीं करते? इनको क्यों कभी केशव मौर्य के यहां, कभी अनुप्रिया के यहां, कभी स्वतंत्र देव के यहां, कभी रामलाल श्यामलाल के यहां जाके धरना देना पड़े, और क्यों शिवेंद्र के साथियों को धरना देना पड़े इनके समानांतर? मसला इतना सीधा नहीं। और एक बात मैं अपने अनुभव से कहूंगा, उसको मान लीजिए ये भविष्यवाणी है, मलिक साहब आज नहीं 6 महीने बाद हमको आप कहोगे फोन करके कि भाई साहब आपने कहा ठीक था, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मसला लटक गया, अटक गया, पिछड़ों का, दलितों का हक उनको नहीं मिला जो हाई कोर्ट ने कहा है, और फिर 2-4-5 साल के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में झूलता रहा, तो उसका बड़ा भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। मलिक साहब लिख लो मेरी बात, कलम है लिख लो, क्या किसी भी किस्म के भाषण से वो नुकसान नहीं कम होगा, लिख लीजिए मेरी बात, क्योंकि माना यह जाएगा और माना यह सच होगा कि आपके पास समय था, आपने नहीं किया, आप इसकी प्रतीक्षा में थे। एक चीज होती है कि हम चिट्ठी टाइप कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर, और तब तक कोर्ट ने जब से आर्डर दे दिया, समझ में आती बात? आप तो खाली बैठे हो, सिर्फ ये देख रहे हो कोर्ट कब दखल दे और कब हमारी जान छूटे, ये तरीका ठीक नहीं। और अगर चयनित वर्ग से नौकरियां गईं, क्योंकि उनकी नौकरियां उनको मिली हैं, उसमें उनका कोई रोल नहीं है, उन्होंने तो कोई गड़बड़ किया नहीं, गड़बड़ किया अधिकारियों ने और सजा पाए शिवेंद्र, तो भी सरकार को उसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरी इस बात को भी लिख के रख लीजिए,
पूरे प्रदेश भर में एक ऐसा वातावरण बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर मुश्किलों में डाल देगा। ये घर के चिराग हैं, ये उत्तर प्रदेश का भविष्य है, ये देश का भविष्य है। इनकी आंख का आंसू सत्ता की हथेली पर गिरना चाहिए, लखनऊ की सड़क पर नहीं। ये डंडे खाने के लिए नहीं है, लाठी खाने के लिए नहीं है। जो अदालत ने कहा वो आपने माना, फिर भी आप ये धरने देने को विवश है और दूसरे पक्ष को कोई बताने को तैयार नहीं कि नौकरी कैसे बचेगी। और फिर एक आखिरी बात करके बात समाप्त करूंगा, ध्यान रखिएगा, किसी भी किस्म की लफाजी से नौकरी नहीं बच सकती। नौकरी बचाने के लिए भी ऐसा प्रस्ताव चाहिए, ऐसा विकल्प चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए जो अदालत की स्क्रूटनी में ठहर पाए। शिवेन जी गलत तो नहीं कह रहा, घरमानी मनमानी नहीं है ना, अदालत में जाएगा वो प्रस्ताव, सरकार का निर्णय, उसकी समीक्षा होगी, वह टिकना चाहिए, नहीं तो आकाश से गिरे खजूर में अटके। आप प्रस्ताव अल्लम जल्लम बना देंगे, कोई उसको चैलेंज कर देगा, आप भी बरी हो जाएंगे, भाई हमने तो प्रस्ताव बना दिया, कोर्ट ने नहीं माना, अब हम क्या करें। लो फिर शिवेंद्र ज्ञापन देने के भी नहीं रहेंगे, बोलेंगे हम तो कर दिया, अब नहीं माना कोर्ट, मैं क्या करूं। इसलिए कोर्ट की आड़ लेकर खेल नहीं होना चाहिए, उसमें दोनों पक्ष हमारे हैं, किसी के साथ भी अन्याय होगा तो हमको दुख होगा। दाई आंख और बाई आंख में को फर्क हो सकता है क्या? इस पीड़ा को समाधान चाहिए, इस पीड़ा को समाधान चाहिए। धन्यवाद।